हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप लोगों को पता है सब्जियां कितनी महंगी हो रही है, तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं आज बिना सब्जी को यूज़ करते हुए एक सब्जी बना रही हूँ जिसकी टेस्ट बिल्कुल पनीर की सब्जी जैसी होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक काम मसूर की दाल लिया है जिसको मैंने 4 to 5 hours के लिए सोक करके रखा था। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो लेंगे और धो के मिक्सर जार में डाल देंगे। अब मैंने नमक लिया है, काली मिर्च लिया है और साबुत जीरा लिया है और थोड़े से पानी डाल देंगे और डाल के दाल को पीस लेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और मसाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार करनी है। फिर उसके बाद मैंने एक पैन में 1.5 glass पानी डाल दिया है। आप पानी को थोड़ा सा हल्का गुनगुना होने देंगे। फिर उसके बाद जो दाल मैंने पीस के रखा था तो वो डाल देंगे और दाल को कंटिन्यूस हिलाते हुए दाल को कुक करनी है। दाल को बिल्कुल लो हीट पे कंटिन्यूस हिलाते हुए आपको पकाना है ताकि जो दाल है वो 60-70% तक कुक हो जाए। तो इसलिए मैंने पानी डाला है। तो कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे और अगर लम्स बन जाती है तो उसको तोड़ते जाएंगे। तो ये देखिए दाल गाढ़ी हो गई है। तो थोड़ा सा गर्म पानी और डाल देंगे ताकि जो दाल है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो इस टाइम आप ठंडा पानी मत डालिएगा, गर्म पानी ही डालिएगा और गर्म पानी डाल के दोबारा दाल को कुक कर लेंगे। अब मैंने कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। अगर आप चाहो तो कोई और मसाला भी यूज़ कर सकते हो। तो मिक्स कर लेंगे और दाल को गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। दाल को कुक करने में 6 to 7 minutes लगेंगे। तो ये देखिए दाल कुक हो गई है और कोई लम्स भी नहीं है। तो अभी दाल को निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब दाल थोड़ा सा ठंडी हो जाए तो ऐसा एक मैंने स्क्वायर टिन लिया है, तो दाल को डाल देंगे और डाल के फैला देंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा आपको नहीं फैलानी है। आप दूसरे एक बाउल ले लेंगे और बाकी जो दाल बचा हुआ है तो उसको भी दूसरे बाउल में डाल लेंगे और डाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब दाल पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो फ्रिज में रख देंगे 3 to 4 hours के लिए। थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि कोई भी एयर बबल ना हो और जो दाल है वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। अब मैंने सब्जी बनाने के लिए 1 cup दही लिया है। अब उसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाल लेंगे और डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंट के एक साइड में रख देंगे। अब 4 hours के बाद जो दाल मैंने फ्रिज में रखा था तो उसको निकाल लेंगे और निकाल के उसको पलटा कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा पीसेस में काट लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की स्मूथ बनती है और देखने में बिल्कुल पनीर जैसी लगती है। दाल के पीसेस को फ्रिज में 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब गैस में एक कढ़ाई मैंने रख दिया है। अब उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या बटर से भी आप ये रेसिपी बना सकते हो। आप जो दाल के पीसेस है तो उसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। ऐसा करने से जो दाल के पीसेस है वो बाहर से क्रिस्पी होगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होगी। 2 to 3 minutes दाल के पीसेस को सॉटे कर लेंगे। फिर उसके बाद निकाल लेंगे। दाल के पीसेस को निकाल लेने के बाद एक साइड में रख देंगे। आप उसी ऑयल में ही साबुत लाल मिर्च डाल देंगे और साबुत जीरा डाल देंगे और डाल के सटकने देंगे। फिर उसके बाद मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है और लहसुन लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है, तो वो डाल देंगे। डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आप लहसुन यूज़ नहीं करनी है तो लहसुन को स्किप कर सकते हो। जब सारे मसाले भून जाए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। अब दही डाल देंगे और एक बार फेंट के, तो मैंने इसलिए पानी डाला है ताकि जो उसका टेम्परेचर है वो कम हो जाए और दही डालने के बाद दही फट ना जाए।
आप कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक दही में से उबाल ना आने लगे। जब दही में से उबाल आ जाए, 10 से 12 मैंने काजू लिया है जिसको मैंने मिक्सर जार में डाल के पेस्ट बना लिया है, तो वो डाल देंगे। तो ये डालने से जो ग्रेवी है थोड़ी सी ठीक बनेगी और जो पनीर की सब्ज़ी में एक खट्टा और मीठा टेस्ट होता है तो वो भी टेस्ट बैलेंस हो जाएगी। आप नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ढक के 5 से 7 मिनट तक मीडियम टू हाई हीट पे कुक कर लेंगे ग्रेवी को। 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन खोल के दोबारा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून दूध की मलाई डाल देंगे। तो मलाई को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मलाई डालने से ग्रेवी में बिल्कुल पनीर जैसी टेस्ट आएगी। आप मिक्स कर लेंगे दोबारा और जो दाल के पीसेस है तो वो भी डाल देंगे और डाल के ग्रेवी को बस 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। घर की गरम मसाला डाल देंगे, तो मैं यहाँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। आप अगर बाहर की गरम मसाला यूज़ कर रहे हो तो आप 1 टीस्पून गरम मसाला यूज़ कर लीजिएगा। आप मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। सब्जी को एक बाउल में मैंने निकाल लिया है और ऊपर से दूध की मलाई थोड़ा सा और डाल दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरे रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।